यार कब कब और कैसे कहूं और क्या बोलूं तुम्हें। चलिए इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। बोल तो मैं दूंगा और बदल भी दूंगा। अरे आज तो मिनट में तुम्हारी छत पे। ओके ओके और वो बाय। लड्डू आखिर मेरे मम्मी पापा ने शादी करी क्यों? इवन कोई भी शादी क्यों ही करता है? क्या यार कुछ भी। अच्छा सही में यार, बिना मतलब का। बता हुआ क्या। वही यार जो डेली होता है, पापा कुछ करेंगे फिर मम्मी कुछ कहेंगे, फिर पापा कुछ को कुछ करेंगे और मम्मी कुछ को कुछ कहेंगी, बस कहा सुनी होती रहेगी। और लड़ते नहीं है, बस चिक 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 चिक। पता नहीं जब बनती नहीं है तो साथ कैसे रह लिए पूरी जिंदगी। यार ये तो नॉर्मल है, तू उनकी शादी के पीछे क्यों पड़ी है। यही तो, ये सब हर मारे लाइफ में इतना होने लगा है कि हमें नॉर्मल लगने लगा है। यार रिलेशंस में झगड़े नॉर्मल क्यों है? मुझे तो इतना समझ में आ गया है कि मैंने तो कभी नहीं करनी शादी। अरे हाँ और तुम भी मत करना, इट्स कम्प्लीटली सिक। लो पतंग रेडी है। हाँ और तू अपने दिमाग से ये बातें निकाल दे, जा उड़नची देगी। ओ और कौन देगा, कितने साल हो गए साथ पतंग उड़ाते हुए, मुझे उड़नची देते हुए, गिर्री संभालते हुए। मेरी उड़नची बिना कभी उड़ी भी है तुम्हारी पतंग? वैसे उड़ तो सकती है। अरे क्या मतलब इसे अकेले अकेले पतंग उड़ाने का, ना ढंग से उड़ाया जाए और ना ही मजे आए। अरे कुछ नहीं, फिर से दोनों उड़न जी। अरे यहाँ आओ, गिर्री पकड़ो, हवा अच्छी है अभी। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे हुआ क्या बताओ ना। अरे कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। कुछ नहीं बस ख्याल आया। क्या? तुम्हारी शादी ना करने वाली बात और फिर अकेले पतंग उड़ाने वाली बात। तुम्हें पता है तुम ना सॉल्व आंसर वाला क्वेश्चन बैंक हो, सवाल भी तुम्हारे और जवाब भी तुम्हारे। क्या बोलते रहते हो यार पराग। देखो समझो जैसे ही पतंग उड़ रही है ना, ये ठीक वैसे ही है जैसी हमारी जिंदगी। पतंग ऊंची से ऊंची उड़े, स्टेबल रहे और उसमें मजा भी आए। जैसा अभी तुमने ही कहा था, इसके लिए बहुत सी चीजें लगती हैं। हवा की दिशा, अच्छी कन्नी, मजबूत मांझा वगैरह वगैरह। पर उसके साथ साथ तुम्हारे जैसा एक गिर्री संभालने वाला साथ, तो वहीं जिंदगी में भी ऐसा है। बाकी सारे फैक्टर्स के साथ साथ एक साथी की भी जरूरत पड़ती है। ये जो मांझा है ना, ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारे बीच का रिश्ता। मांझा जितना ज्यादा खुलता है या रिश्ता जितना ज्यादा गहरा होता है, पतंग उतनी ही ऊंची उड़ती है और ये धागा धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। और जितना लंबा ये रिश्ते का मांझा खुलता है, इसमें बल आने लगता है, धागा खिंचता है, उलझता है और पतंग अंटे भी खाती है। ठीक वैसे ही लंबे रिश्तों में भी जब उलझन आती है तो पापा मम्मी झगड़ते हैं, और तेरा मेरा रिश्ता भी तो कितना पुराना है, हम भी जब उलझते हैं तो झगड़ते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो ज़रा ढील देकर, ज़रा धागा लपेट कर पतंग को कंट्रोल किया जा सकता है, और दोनों साथी ऐसा करते भी हैं।
ऐसे ही जो हवाएं हैं वो समय है या फिर एक सिचुएशन है, जो कभी पतंग उड़ाने के फेवर का डायरेक्शन पकड़ लेती हैं तो कभी अगेंस्ट। पर जब साथ कोई एक घिरी संभालने वाला हो, जैसे मेरे साथ अभी तुम हो, तो सारी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसे ही पतंग उड़ती रहती है और स्टेबल हो पाती है, और ज़िंदगी भी। अकेले पतंग उड़ तो सकती है पर उसमें उतना मज़ा नहीं, और संभालने वाला भी कोई नहीं होता, तो इसलिए लोग करते हैं शादी, जिससे पतंग उड़ती रहे और कभी अगर हिलोरे भी आए तब भी ज़िंदगी में सुकून और मज़ा बना रहे। तो मिस्टर काइट फिलोसोफर, शादी ही क्यों? तुम और मैं ऐसे साथ है ना, फॉरएवर टुगेदर। तुम इस फॉरएवर टुगेदर, जब हमें सारी जिंदगी साथ रहना ही है, फॉरएवर फॉर ईच अदर, तो क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। ए जी, चले पतंग उड़ाने। आकाश मेरा।